यातायात माह के अंतर्गत एवं एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में जयपुर के मुस्कान एनजीओ के द्वारा जनपद के विभिन्न थानों के इंस्पेक्टर, यातायात इंस्पेक्टर, आरक्षी को होने वाले यातायात से संबंधित दुर्घटनाएं व दुर्घटनाओं का परिणाम तथा उसके हल के संबंध में चर्चा किया गया तथा सड़क सुरक्षा मैनेजमेंट फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुस्कान फाउंडेशन एवं रोड सेफ्टी जयपुर के द्वारा पुलिस कर्मियों को जागरूक करने के लिए इनवाइट किया गया था, जिससे सही ढंग से ट्रेनिंग दिया जाए। हम सब का जो कार्य है वह ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करें तथा सभी नियमों का पूर्ण पालन करें और दूसरे लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया कि रोड पर चलने का क्या नियम है। इस अवसर पर सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, सीओ कैंट श्याम देवबिंद, सीओ गोरखनाथ तथा यातायात निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, अजीत पांडे व मुस्कान फाउंडेशन के डायरेक्टर एवं ट्रेनर नेहा खुल्लर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, वो खाली इंजरी क्यों नहीं हुई, सीधा फैटलिटी क्यों हुई? स्कूल बस, लेकिन उस बस की जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए माइनर क्रैश पे भी वो पूरी जो बस है वो क्रश कर गई, उसकी छत उड़ गई, उसका जो फर्श था वो उड़ गया। दुर्घटना हुई ह्यूमन एरर की वजह से, इसमें ड्राइवर फॉल्ट रही होगी, स्पीडिंग कारण रहा होगा, लेकिन जो फेटेलिटी हुई उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था व्हीकल फिटनेस, राइट? तो व्हीकल फिटनेस भी बहुत मैटर करता है। मैंने कवर किया, उसके अंदर हमें क्या सीख मिली, यही सीख मिली कि जो दुर्घटना हुई वो तो इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग एरर था। उस एक्सप्रेस वे पे अचानक से एक टर्न पे जो नैरो लेन हो जाती है, मतलब थ्री लेन जो है वो ऑटोमेटिक, मतलब अचानक से क्या होती है कि वो दो लेन में मर्ज हो जाती है, और जो उसका मर्जिंग पॉइंट है वहाँ एक पर्टिकुलर पिलर है जो कि स्पीडिंग व्हीकल्स को नजर नहीं आता, तो ये तो हमारा कारण था, एक्सीडेंट था, राइट? लेकिन मृत्यु का कारण क्या था? बिहेवियरल इश्यू कि पीछे बैठने वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगाया। हाँ जी, हमें समझनी होती है कि ये जो दुर्घटना और एक्सीडेंट है ना, इसके दो अलग, मतलब सॉरी, एक्सीडेंट और मृत्यु जो है दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सेफ्टी प्रोवाइड करी, तो हमारे यहाँ से 5 या 6 मॉडल वो लेके गए, हुंडई के होंडा सिटी, हुंडई की आईटेन और किविड की गाड़ियाँ टेस्ट करवाया। एंड कैन यू बिलीव कि 2013 में हमारी जितने भी मॉडल्स वहाँ गए थे क्रैश टेस्टिंग के लिए, उनको 0 स्टार रेटिंग मिली, नन ऑफ द कार वाज सेफ। तो उसके बाद यहाँ पे चर्चा होनी शुरू हुई सड़क सुरक्षा पे, इस बारे में भी चर्चा शुरू हुई कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसको अमेंड किया जाए, पेनल्टीज को रिवाइज किया जाए। तो इसी दौरान मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी जयपुर, इस टीम के लिए हमने इनवाइट किया है वहाँ से, इसके ट्रेनिंग हेड मिस नेहा खुल्लर हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ आकर हमारे नए बैच के पुलिस अधिकारियों को, उपनिरीक्षक गणों को, क्षेत्राधिकारियों के लिए रोड सेफ्टी के बारे में, रोड इंजीनियरिंग के बारे में, कहाँ साइंस होने चाहिए, किस प्रकार के साइनेज होने चाहिए और सड़क पर क्या क्या कमियां होती हैं जिनकी वजह से दुर्घटना होती है, उन सब कानूनों के बारे में, प्राविधानों के बारे में, और हम कैसे एक्सीडेंट को रोकें, इस सब के बारे में विस्तार से नए अधिकारियों के लिए जानकारी दी। नए अधिकारियों का ज्ञान बढ़ने से ये अगले 30-35 साल तक हमारे विभाग के लिए एक एसेट के रूप में साबित होंगे, अगर ये अच्छे से विवेचना करने में ट्रैफिक एक्सीडेंट का सफल हुए तो। इन जानकारियों के लिए मैं मुस्कान फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूँ। रोड सेफ्टी को लेकर क्या जानकारी दी लोगों को सुरक्षा के लिए? देखिए, रोड सेफ्टी को लेकर इन्होंने बताया कि ड्राइविंग रेगुलेशन क्या है, सड़क पर जो आदमी निकलता है चाहे पैदल चलने वाला हो या साइकिल से चलने वाला हो, किसी भी प्रकार का ट्रैफिक हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उन सब के लिए क्या नियम है, चौराहे पर जाके क्या करें, मुड़ते समय क्या करें, इस सब के बारे में भी बारीकी से बताया गया